नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस, जो कि एक 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। बात करें ट्रैक्टर की डिजाइन की तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने इस ट्रैक्टर को डिजाइन किया हुआ है। टीएक्स के नाम से ट्रैक्टर आता है। बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट से, तो कुछ इस प्रकार आपको ट्रैक्टर फ्रंट से दिखाई देगा। आगे ऊपर न्यू हॉलैंड का लोगो दिया हुआ है, और जो इसका एयर क्लीनर है वो इस ट्रैक्टर के आगे वाले बोनेट पे आपको एयर क्लीनर मिल जाएगा इस ट्रैक्टर का। और जो लंबी जाली दी हुई आगे, जैसे आप देख सकते हो, लंबी जाली का फायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्रैक्टर के अंदर इंजन तक हवा जा सके और बिना गर्म हुए ट्रैक्टर लंबे समय तक काम कर सके। बैटरी बॉक्स इसके अंदर दिया हुआ है ट्रैक्टर के, एक नंबर प्लेट के लिए दिया हुआ है फ्रंट में, और एक आपको टोचन के लिए हुक मिल जाएगा, जहाँ से आप अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जाए तो आप टोचन करके निकाल सकते हो ट्रैक्टर को आराम से। फ्रंट एक्सल की बात करें तो एडजस्टेबल आपको फ्रंट एक्सल इस ट्रैक्टर में मिल जाएगा। काफ़ी हैवी एक्सल दिया हुआ है फ्रंट का, और एक जो पावर स्टेयरिंग दिया हुआ है ट्रैक्टर में, आपको पावर स्टेयरिंग में ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और बात करें ट्रैक्टर के जो फ्रंट टायर है उसके बारे में, तो फ्रंट टायर आपको 7-16 के ट्रैक्टर में आगे वाले टायर मिल जाएंगे। और जो इसका इंजन है वो आप देख सकते हो, बीच वाले अगर बोनट की बात करें तो बीच से आप इस ट्रैक्टर का बोनट ओपन कर सकते हो। ये दो वाल दिए, इनको जब आप घुमाओगे तो आपका जो इंजन का ऐसे कुछ इंजन आपको दिखाई देगा। नॉन टर्बो इस ट्रैक्टर में आपको 50 एचपी का इंजन जो मिल जाएगा, और एक पावर स्टेयरिंग का बॉक्स दिया हुआ है ऑयल के लिए, ऑयल और दो डीजल फिल्टर इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगा। और 3 सिलेंडर के साथ इस ट्रैक्टर का इंजन आता है, जो कि बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ दिया हुआ है। और बात करें ट्रैक्टर में आगे कूलेंट का बॉक्स मिल जाएगा सामने फ्रंट में, और जो एक नीचे दिया हुआ है जो आपके पावर स्टेयरिंग का फिल्टर दिया हुआ है, एक वाटर सेपरेटर इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगा, जैसे आपके ऑयल में पानी वगैरह जाए उसके लिए, यहाँ से आप अपने बोनट को क्लोज कर सकते हैं। एक टूल बॉक्स दिया हुआ है प्लास्टिक का, जिसमें आप अपने टूल्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं आसानी से। बात करें ट्रैक्टर प्लेटफार्म की, तो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा प्लेटफार्म आपको दिखाई देगा, बिल्कुल खुले प्लेटफार्म का ट्रैक्टर है। एक जो हैंड लॉक करने का सिस्टम भी दिया हुआ है ट्रैक्टर में। बात करें ट्रैक्टर के ऊपर की, तो ऊपर से कुछ इस प्रकार आपको ट्रैक्टर दिखाई देगा। मीटर दिया हुआ है जिसमें आप अपने आरपीएम ट्रैक्टर के कितना फ्यूल और टेम्परेचर हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं यहाँ से आप। इंडिकेटरों को ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ है एक लीवर, और यहाँ से आप अपने एड्रेस और पार्किंग का स्विच मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी पार्किंग यूज कर सकते हैं। स्टेयरिंग का भी छोटा स्टेयरिंग दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी लाइटों को ऑपरेट कर सकते हैं। और जो प्लेटफार्म है वो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल खुला प्लेटफार्म दिया है ट्रैक्टर में। डबल क्लिच के साथ यह ट्रैक्टर आता है। बात करें ब्रेक की, तो तेल में डूबे हुए ब्रेकों के साथ ट्रैक्टर दिया हुआ है, जिससे आपके ब्रेक बहुत स्मूथ और बगैर घसे ज़्यादा ज़्यादा कम घसाई हो। बात करें गियर्स की, तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, ये लगा लो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाएंगे। पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर साइड में दिए हुए, जहाँ से आप अपनी लिफ्ट कंट्रोल कर सकते हो। एक लिफ्ट का लीवर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार इस ट्रैक्टर में आपको जो लिफ्ट का है वो ये अलग से सिस्टम दिया हुआ है। और बात करें साइड से, तो साइड में आपको जो दिया हुआ है वो मीटर में आप अपनी जानकारी ले सकते हो। साइड में एक जैसे हाई लो मीडियम में ट्रैक्टर आपको मिलता है, जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स यानी 15 स्पीड के साथ ट्रैक्टर दिया हुआ है। पीटीओ का लीवर अलग मिल जाएगी, क्लच मिल जाएगी, जिससे आप अपनी पीटीओ ऑपरेट कर सकते हो। और हाई स्पीड के साथ यह ट्रैक्टर आता है, जिसमें जो इसकी गियरों की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दिया हुआ है ट्रैक्टर। और बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, जिसपे एक फुटरेस्ट दिया हुआ, काफ़ी हैवी फुटरेस्ट दिया हुआ है, जिसपे आप पैर रख के आराम से ट्रैक्टर ऊपर चढ़ सकते हैं। और एक जो स्टार्टअप मोटर दी हुई है ट्रैक्टर की, एक मोबिल ऑयल फिल्टर दिया हुआ है। और बात करें पिछले टायरों की, तो पीछे के 16-28 के बड़े टायर इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाएंगे। 6 साल की गारंटी के साथ यह ट्रैक्टर आता है, जिसमें आपके ट्रैक्टर में कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो उसके लिए कंपनी इस ट्रैक्टर में 6 साल की वारंटी आप लोगों को देती है। 2 वाल दिए हुए हैं, जिसमें आप अपने ट्रॉली डंपर टिपलर वगैरह चला सकते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक का सॉकेट दिया हुआ है। लिफ्ट काफ़ी हैवी लिफ्ट दी हुई है ट्रैक्टर में। एक सीट के पीछे रिफ्लेक्टर दिया हुआ, जैसे आप रात को ड्राइव करते हैं उसके लिए। पानी की बोतल रखने का स्थान, जैसे आपकी बोतल यहाँ आप रख सकते हैं। और जो पीछे एक
लाइट दी हुई है, जैसे आप रात को काम करते हो तो उसके लिए आप यहीं से लाइट को ऑपरेट कर सकते हो। एक नंबर प्लेट के लिए दिया हुआ है जहाँ आप अपनी ट्रैक्टर की नंबर प्लेट लगा सकते हैं। तो काफ़ी हैवी ट्रैक्टर पीछे इसी कंपनी ने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो हर चीज़ को। तो आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा? एक ने जो प्लेट दी हुई है जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी ट्रैक्टर के पीछे, जिसमें आपका मतलब 33 नंबर, इंजन नंबर, ये वगैरह वगैरह सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये ट्रैक्टर? एक और बात, जो इस ट्रैक्टर में 12+3 स्पीड के साथ ये ट्रैक्टर आता है, और जो इस ट्रैक्टर में एक रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन मिल जाएगा इस ट्रैक्टर में आपको, जहाँ से आप अपने रिवर्स पीटीओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 HP श्रेणी में ट्रैक्टर आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।